गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट जो है लास्ट टॉपिक से वो कवर करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी 8। मेक अ पेपर बोर्ड, हम एक्टिविटी 8 समझते हैं। पेपर बोर्ड बनानी है हमें, पुट इट, आप क्या करें, पेपर बोर्ड बनाएं और फिर उसे पानी में डालें एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। और उसमें क्या होता है, दो पॉइंटिंग एंड होते हैं ना, पॉइंटिंग एंड्स होते हैं, तो एक पॉइंटिंग एंड से उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ पुश करें, जैसे कि 8.22 ए में कि आपको दिख रहा है। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो पानी में इजीली जा रही है। नाउ होल्ड द बोर्ड साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब आप उसे क्या करें, होल्ड करें और ब्रॉड साइड से जो मोटा पार्ट है उसका वहां से उसे पुश करें। 8.22 में बी में आपको दिख रहा है, जैसे कि आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। क्या आप जब बीच से उसको ब्रॉड एंड से, जब आप उसको ब्रॉड साइड से पुश कर रहे हैं, तो क्या वो पानी में इजीली मूव हो पा रही है। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बोट की जो शेप, बोट का जो शेप होता है वो फिश की तरह होता है। See figure 8.23. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. Head और tail जो होता है fish का, वो क्या होता है, smaller होता है, छोटा होता है middle part से। अगर अपन middle portion से उसे compare करें तो छोटा होता है। The body tapers at both hands. This body shape is called streamlined. इस type की body को क्या बोलते हैं, streamlined. The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. इस type का जो shape होता है वो water में easily flow होता है, मतलब तैर पाता है, और fish जो है वो easily पानी में move कर पाती है, इधर एक से एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। जब वो स्विमिंग करते हैं तो उसका जो फ्रंट पार्ट, बॉडी का जो फ्रंट पार्ट के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कर्व हो जाते हैं, एक साइड से कर्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो उसकी टेल होती है मतलब पीछे की जो पूंछ होती है वो ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती है, स्विंग करती है मतलब झूलती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 में देखो बता रहे, बताया है ऐसे कर्व बना रही है ना, ये ऐसे कर्व बना रही है फिश। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या हो रहा है, एक जर्क धक्का मिल रहा है और बॉडी आगे की तरफ पुश हो रही है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और इस सीरीज ऑफ, इस जर्क की सीरीज को क्या हो रहा है, क्या कर रही है, फिश स्विम में आगे की तरफ, फिश आगे की तरफ स्विम कर पा रही है, तैर पा रही है। दिस इज हेल्प बाय द फाइन्स ऑफ द टेल। और ये कौन हेल्प करता है, तो फाइन्स ऑफ द टेल। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Fish जो है, fish की body में और भी बहुत सारे fins होते हैं जो क्या करती हैं, help करती हैं body को balance करने में और keep direction while swimming. जब swimming कर रही है तो उसको जो भी direction में जाना है उसमें जाने में मदद करती है. Did you ever notice that underwater divers wear fine leg flippers on their feet to help them move easily in water? क्या आपने कभी देखा है, आपने नोटिस किया है कि जब अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पानी में जाते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, तो फ्लिपर्स पहनते हैं अपने फीट पे, अपने पैर में क्या पहनते हैं, फ्लिपर्स पहनते हैं, जो क्या करते हैं, मछली की तरह ये ऐसे होते हैं, फिश की तरह ही फ्लिपर्स होते हैं, देखना नोटिस करना, तो वो क्या करते हैं, पानी में इजीली मूव करने में आपको हेल्प करते हैं। अब हम स्नेक के बारे में पढ़ेंगे कि स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेक की कौन सी बॉडी होती है, किस टाइप की बॉडी होती है। हाउ डू स्नेक्स मूव, स्नेक कैसे मूव करते हैं, तो हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, क्या आपने स्नेक स्लिथर को देखा है।
डज इट मूव स्ट्रेट? क्या आपने कभी स्नेक स्लिथर को देखा है? क्या वो हमेशा स्ट्रेट चलता है कि ऐसे चलता है? स्ट्रेट चलता है या फिर ऐसे चलता है? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. स्नेक की क्या होती है? एक लॉन्ग बैकबोन होती है. रीढ़ की हड्डी लंबी होती है उनकी. दे हैव मेनी थिन मसल्स. उनकी बहुत पतले पतले मसल्स होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अदर. अगर एक दूसरे से अलग है मसल्स, उसके बाद भी वो कनेक्टेड होते हैं. भले दूर हो, उसके बाद भी वो कनेक्टेड होते हैं. मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन. और जो मसल्स है वो बैकबोन से भी कनेक्टेड होती है. रिब्स, स्किन, इससे भी कनेक्टेड होती है. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. बहुत लूप्स में वो कवर कर्व होती है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. हर एक लूप उसे क्या करता है? आगे की तरफ ले जाता है. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स. उसकी लॉन्ग बॉडी होती है, इसलिए वो बहुत लूप्स बनाता है. ठीक है, तो क्या होता है? ईच लूप गिव्स इट दिस पुश. द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. इस वजह से वो क्या होता है? आगे की तरफ बहुत तेजी से, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूव करता है. और उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन में नहीं मूव करती है, वो ऐसे मूव करती है. वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हमने बहुत सारे बोन्स और मसल्स का यूज पढ़ा हमने अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट्स के लिए. पहेली एंड पोजो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स. पहेली और बोजो को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग मूवमेंट्स के, एनिमल्स में जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं. सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स. द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, मतलब बहुत पुराना ग्रीक का एक फिलोसोफर है एरिस्टोटल. उन्होंने अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट डू दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव वॉज दे डू. उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए हैं? तो उन्होंने ये क्वेश्चंस किए हैं कि बॉडी एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्यों होते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं उन्हें मूव करने में. वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें क्या एक जैसा होता है और क्या डिफरेंट होता है, क्या एक जैसा होता है और क्या अलग अलग होता है. हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. Why two legs for humans and four for cows and buffaloes? Humans के दो पैर क्यों होते हैं और cow और buffaloes के चार क्यों होते हैं? Many animals seem to be having an even number of legs. Why? कुछ animals के even number of legs भी होते हैं, ऐसा क्यों? Why is the bending of our legs different from that of our arms? हमारे जो लेग्स हम बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो वो अलग क्यों होते हैं हमारे आर्म्स से? सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स. इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है. और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में, जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस कर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.